जय श्री राम दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीए इंटर का अपना टैक्सेशन सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बेटा, ये एग्ज़ाम के लिए भी, पहले मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये एग्ज़ाम्स के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये साथ में आपका प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप 100% फोकस होके पढ़िएगा। इस चैप्टर को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड तरीके से मैं आपको कराऊंगा और आप फोकस करिएगा बहुत ज़्यादा, तो आपको डेफिनेटली ये चैप्टर समझ आएगा और एग्ज़ाम के लिए भी आपको मार्क्स ओरिएंटेड है ये चैप्टर। बेटा, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन भी समझते हैं। हमने जब हेड ऑफ इनकम पढ़ने शुरू किए थे तो आप लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स में 5 हेड्स में इनकम को बाइफरकेट किया गया है। इनकम को 5 हेड में बाइफरकेट किया गया है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट हेड है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अच्छा, दूसरा एक और बात कि पीजीबीपी नॉर्मल भी, मतलब जब भी लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन मोस्टली आपसे पूछेगा कि भैया बिजनेस की इनकम को कैसे कंप्यूट करें। तो बिजनेस की इनकम को कंप्यूट करने के लिए, बिजनेस की इनकम को निकालने के लिए या प्रोफेशनल किसी इनकम को कंप्यूट करने के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस चैप्टर में जिस चीज़ को करने जा रहे हैं, एक मिनट रुकिए, दैट इज़ द चैप्टर का नाम है, चैप्टर 5 है हमारी बुक का। ये चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सबसे पहले आप इस चैप्टर के ऊपर एक बात लिख लीजिए, जैसे हम हर चैप्टर पे लिखते हैं कि यहाँ पर सेक्शन 28 से 44 डी, ये सब सेक्शंस यहाँ पर कवर होंगे हमारे, राइट। सेक्शन 48 से लेकर कहाँ तक कवर होंगे, 44 डी तक। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हर चैप्टर में, जैसे हमने आपको पहली क्लास में बताया था, इनकम है तो टैक्स देना पड़ेगा, इनकम है तो टैक्स देना पड़ेगा। ये हमने चार्जिंग सेक्शन 4 में पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ेगा सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली, बाय रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट के रेट्स होंगे और एवरी पर्सन पर टैक्स लगेगा और एवरी पर्सन की टोटल इनकम पर टैक्स लगेगा। ये हमने पढ़ा था पीजीबीपी में, प्रॉफिट एंड सॉरी ये हमने पढ़ा था सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। बेटा, जब भी हम कोई भी चैप्टर करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन मतलब पीजीबीपी। अब शॉर्ट में हम इस चैप्टर को हमेशा क्या बोलेंगे, पीजीबीपी। सर, पीजीबीपी में इनकम हमारी होगी, आज हम पीजीबीपी नाम की बस में यात्रा कर रहे हैं, एक बस में हम बैठ रहे हैं और इस बस का एक कंडक्टर होगा चार्जिंग सेक्शन, जो शोर मचाएगा कि भैया पीजीबीपी में ये एक्टिविटी करेंगे, ये इवेंट करेंगे आप, तो आपकी इनकम पर टैक्स पीजीबीपी में, आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा, मतलब आपकी इनकम कंप्यूट होगी पीजीबीपी के हेड में। ये एक बस है, देखिए ध्यान से समझिएगा, पीजीबीपी एक बस है और ये बस शोर मचा रही है कि अगर आप मेरी बस में बैठेंगे, एक बस है, बस में कंडक्टर है, कंडक्टर का नाम होता है चार्जिंग सेक्शन मेरी भाषा में, सेक्शन 28 नाम का, सेक्शन 28 नाम का कंडक्टर बैठा हुआ है जो शोर मचा रहा है कि आपको पीजीबीपी के हेड में पीजीबीपी की इनकम पर टैक्स लगेगा अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे। बेटा, 12 एक्टिविटी को इन्होंने कवर किया है, कितनी एक्टिविटीज़ को, 12 एक्टिविटीज़ को, कि ये 12 एक्टिविटीज़ अगर होती हैं, ये 12 इवेंट अगर होते हैं तो आपकी इनकम पर टैक्स पीजीबीपी हेड में लगेगा सेक्शन 28 के अकॉर्डिंगली। सपोज आप किसी इनकम पर, समझिएगा चार्जिंग सेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू भी, सपोज आप फ्यूचर में किसी इनकम को बोलते हैं भैया ये तो बिजनेस इनकम है, somebody, इफ somebody will ask you कि कहाँ लिखी हुई है कि ये बिजनेस की इनकम है, तो बेटा हमेशा आपको रेफरेंस देना होता है चार्जिंग सेक्शन का, किसका रेफरेंस देना होता है, चार्जिंग सेक्शन का। तो आप बोलेंगे ये सेक्शन 28 में, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है,
उसमें लिखा हुआ है कि ये वाली इनकम पर पीजीबीपी हेड में टैक्स लगेगा। मतलब ये वो सेक्शन होता है चार्जिंग सेक्शन जो बताता है कि हमारे किसी भी हेड का चार्जिंग सेक्शन जो बताता है कि हमारे हेड में टैक्स कब लगेगा, ऐसा क्या हो कि हमारे हेड में टैक्स लगेगा। तो बेटा पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन क्या है हमारे सामने स्क्रीन पर है और आप अपनी बुक में भी ओपन कर लेंगे। पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 28। ये क्या कह रहा है चार्जिंग सेक्शन, मतलब इसे आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, कि ये बस का कंडक्टर है, कि ये बस का कंडक्टर है। कौन सी बस का कंडक्टर है ये बेटा, पीजीबीपी नाम की बस में आप यात्रा कर रहे हैं, इसमें कंडक्टर बिठा रखा है सेक्शन 28 जो शोर मचा रहा है कि भैया आप हमारी बस में चढ़ेंगे, बस में चढ़ेंगे तो आपको पीजीबीपी हेड में टैक्स देना पड़ेगा। सेक्शन 28 के अकॉर्डिंगली कब कब आपको पीजीबीपी के हेड में टैक्स देना होगा ये बता रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इनकम्स शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, अंडर द हेड पीजीबीपी कह रहा है कि जो इनकम्स अब हम आपको बताने जा रहे हैं इन इनकम्स पर आप पर टैक्स लगेगा अंडर द हेड पीजीबीपी, राइट। और सबसे पहला हेड इन्होंने बताया है, सबसे पहला पॉइंट बताया पॉइंट नंबर 1। आज की क्लास में 12 के 12 पॉइंट्स को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे 12 के 12 पॉइंट्स हमारे कवर हो, मतलब आज हम चार्जिंग सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। बेटा पहला वर्ड लिखा हुआ है द प्रॉफिट एंड गेन्स, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे गेन हो, अभी तो हम आगे ही नहीं बढ़ रहे, ये कह रहे हैं चाहे आपको प्रॉफिट है चाहे आपको गेन है, इन दोनों ही केसेस में आपको टैक्स कहाँ देना पड़ेगा, पीजीबीपी में। सबसे पहले हमने क्वेश्चन ही पूछा, सर जी आप हमें बताइए प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस क्या है। बेटा नॉर्मल भाषा में अगर आप मुझसे पूछें प्रॉफिट क्या होता है और गेन क्या होता है, गेन होता है किसी भी सडन एक्टिविटी में एप्रिशिएशन होना, किसी भी आपकी एक्टिविटी में क्या होना, एप्रिशिएशन होना, वो आपके आउटसाइड द ऑपरेशंस होती है। और प्रॉफिट क्या होता है, जब आप किसी चीज़ में एफर्ट लगाते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट क्या होता है जब आप किसी चीज़ में एफर्ट लगाते हैं, आप लेबर लगाते हैं, मटेरियल लगाते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट लगा के आप कुछ एक्सपेंस करते हैं और एक्सपेंस करके कुछ आउटपुट निकालते हैं और उस आउटपुट को सेल करते हैं मार्केट में, चाहे वो सर्विस है चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, आप उसे सेल करते हैं, तो सेल करने से आपको रिसिप्ट होती है, उस रिसिप्ट को अर्न करने के लिए आपने खर्चे भी तो किए थे, मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, उन सबको लेस करने के बाद जो बचता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं। बेटा मेरी बात समझ आई, प्रॉफिट का मतलब है जब आप एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, आप लेबर लगाते हैं, आप मटेरियल लगाते हैं, आप अदर्स और खर्चे करते हैं, लाइक बिजली का बिल गया आपका और खर्चे गए, ये सब लगाकर आपने किसी चीज़ को तैयार किया। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने मटेरियल लगाया, मैंने रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा लगाया, मैंने बहुत एफर्ट लगाए, अब एफर्ट लगाकर मैं इस क्लास को अगर सेल करता हूँ तो सेल करने के बाद आपसे मुझे सपोज 25,000 रुपये आया, 25,000 रुपीज़ मुझे आया, और इसको कमाने के लिए 25,000 को अर्न करने के लिए मैंने कुछ खर्चे भी तो किए, मेहनत भी की, इन सबको लेस करने के बाद जो मुझे बचता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब हमारी टोटल रिसीप्ट्स या टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस जो हमें बिजनेस में मिलते हैं। और गेन का मतलब क्या है, देखो गेन इज द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड और फाइनेंशियल एसेट्स। बेटा गेन का मतलब क्या है, प्रोसीड रिसीव, जो प्रोसीड्स रिसीव हुई हैं हमें सेल से, किसके सेल से, फिक्स एसेट्स से या फाइनेंशियल एसेट्स से। देखिए बड़ा ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने अपना कैमरा बेच दिया, क्या वैसे मैं कैमरा बेचने के लिए लाया था, नहीं, मैंने कैमरा खरीदा 50,000 रुपये का, किसी ने मुझे बोला सर आप अपना कैमरा दे देंगे, क्या मैं बेचने के लिए लाया, नहीं, मैं तो अपनी क्लासेस के लिए लाया, पर मैंने ये कैमरा 50,000 रुपये वाला, मुझे एक अच्छा बंदा मिल गया, उसने कहा सर ये वाला कैमरा ना मिल नहीं रहा जो आपके पास है,
मुझे दे देंगे आप, मैंने वो 60,000 रुपये में दे दिया, तो वो क्या है, गेन, मुझे गेन हुआ उस असेट को बेचने पर, राइट। तो गेन इज जनरेटेड, जो गेन जनरेट होता है वो बिजनेस ऑपरेशन से नहीं होता। देखिए मेरी क्लास करना मेरा बिजनेस ऑपरेशन है, पर कैमरा बेचना मेरा बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, पंखा बेचना मेरा बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, राइट, एसी बेचना मेरा बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, फिर भी मैं एसी यूज़ कर रहा हूँ क्लास में, मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे बिजनेस ऑपरेशन नहीं है। और इन्हें बेचकर अगर मैं कुछ कमाता हूँ तो बेटा वो क्या हो जाएगा, गेन। आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रॉफिट होता है विद इन द यूजुअल बिजनेस ऑपरेशन, देखो अंडरलाइन कर लेना, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से, और गेन होता है आउटसाइड द बिजनेस ऑपरेशन से, मतलब वॉट एवर मैं अर्न कर रहा हूँ क्लासेस को बेचकर तो वो क्या है, प्रॉफिट, पर मैं कैमरा बेचकर अर्न कर रहा हूँ या फिर मैं एसी बेचकर अर्न कर रहा हूँ तो वो क्या है बेटा, गेन। अच्छा दूसरा गेन का एक और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको, गेन पे एक और अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, लाइक गेन के बारे में अगर बात करें, सपोज़ करिए गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दे दी कि मित्तल जी आप असेट खरीदेंगे, नीरज मित्तल अगर आप ये इस असेट को खरीदेंगे तो 50 लाख की असेट है और ये असेट सोशल वेलफेयर के लिए है, आप बिजनेस में खरीद रहे हैं, 10 लाख रुपये गवर्नमेंट देगी, तो ये मेरे लिए गेन है, 10 लाख रुपये गवर्नमेंट ने मुझे दे दिया। मैंने कोई प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, राइट, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा मैंने और उस लैंड को मैंने 50 लाख रुपये में खरीदा, कुछ दिन बाद उस लैंड की कीमत 70 लाख हो गई, तो बेटा वो भी गेन है। बहुत फोकस करके पढ़ेंगे हम हर चीज़ को, तो बेटा ये क्या है, प्रॉफिट एंड गेन। तो दूसरा वर्ड लिखा है इन्होंने, ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन किससे हो रहा है आपको, ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस से या किसी भी प्रोफेशन से। अब सर डिफरेंस बताइए हमें, बिजनेस और प्रोफेशन में क्या फ़र्क है, मैंने बहुत डिटेल में नोट्स बनाए हैं, बिजनेस और प्रोफेशन में फ़र्क क्या है बेटा। बिजनेस का मतलब है कोई भी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। हम इन्हें 3-4 हिस्सों बांट लेते हैं, 1, 2 और 3 पहले तो। और कोई भी एडवेंचर और कंसर्न जिसका नेचर ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर है, 4। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ट्रेड का मतलब है मैं कुछ खरीद कर लाया और मैंने आगे बेच दिया, मेरा रूटीन में ये वर्क है, मैं क्या लाता हूँ, चीज़ें लाता हूँ कहीं से खरीद कर और उन्हें बेचता हूँ, मेरा ये बेचने का काम है चीज़ों को, तो बेटा ये ट्रेड है, ट्रेड। मैन्युफैक्चर का मतलब है मैं खरीदता नहीं हूँ, मैं खुद बनाता हूँ चीज़ों को, मैं रॉ मटेरियल लाता हूँ, लेबर लगाता हूँ, मेहनत करता हूँ और फिर कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ और उस प्रोडक्ट को बनाकर बेच देता हूँ, दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। सर फिर कॉमर्स क्या है, कॉमर्स करना, ट्रेड मतलब लाकर खरीद कर बेचना, राइट, एंड मैन्युफैक्चर मतलब खरीदा और उसमें कुछ प्रोसेसिंग करी फिर बेच दिया। सर फिर कॉमर्स क्या है, कॉमर्शियल एक्टिविटी कोई भी हो सकती है बेटा, आप ध्यान से सुनिए, पहले एक बार फिर डिफरेंस बताइए, ट्रेड क्या है, कुछ लाया मैं और लाकर बेच दिया, बार बार मैं ला रहा हूँ लाकर बेच रहा हूँ, मतलब मेरा मेन उद्देश्य खरीदते वक्त ही क्लियर था कि मैं इसे बेचूँगा, मैं इसे बेचूंगा, तो ये क्या है बेटा, ट्रेड। मैन्युफैक्चर, मैं कुछ लाया और लाकर मैंने उसे भी मतलब लाया और मैंने उसमें प्रोसेस किया, बनाया और बेच दिया। बेटा मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त मुझे कोई एक्टिविटी करनी थी या ट्रेडिंग करते वक्त मेरे साथ कुछ स्पेशल एक्टिविटी थी, इनको बोलते कॉमर्स, इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी, कि मैं ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कर रहा हूँ। आपने सुना भी होगा ये तो भैया कमर्शियल एक्टिविटी है, कमर्शियल एक्टिविटी है जिसमें मेरा मोटिव है प्रॉफिट कमाना, और कमर्शियल एक्टिविटी मतलब जो मेरे बिजनेस को सपोर्ट करती है, हर वो एक्टिविटी जो मेरे बिजनेस पर्पस को सपोर्ट करती है, और बिजनेस पर्पस को सपोर्ट मतलब मेरे ट्रेड को सपोर्ट कर रही है या मेरे मैन्युफैक्चर, जैसे मैंने एक कार खरीदी या एक ट्रक खरीदा, राइट, ट्रक खरीदा ताकि हमारे गुड्स आ जा सके, हम गुड्स को ला सके, तो बेटा ये कॉमर्स एक्टिविटी के लिए ट्रक खरीदा है हमने, मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी का मतलब समझ आ रहा है आपको, कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब है कि हम अपने बिजनेस को सपोर्ट करा रहे हैं उस एक्टिविटी से,
अपने बिजनेस में ऑक्सिलरी सर्विस दिलवा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कमर्शियल एक्टिविटी। हमने कोई क्या कहते हैं रूम यूज़ किया अपने बिजनेस को करने के लिए, तो ये रूम किस लिए यूज़ हो रहा है? कॉमर्स के लिए, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बेटा। उसके बाद है एनी एडवेंचर और कंसर्न, कोई भी एडवेंचर, कोई भी कंसर्न, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, चाहे उसमें ट्रेड इंक्लूड है, चाहे कॉमर्स या मैन्युफैक्चर, एडवेंचर। बेटा मुझे किसी ने बोला, मैं डेली जाता हूँ किसी प्लेस पर अपना सामान लेने के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए मेरे सप्लायर से, आप किसी ने बोला मैं फ़ोन का बिजनेस करता हूँ, मोबाइल फ़ोन का, तो मैं जाता हूँ एक शहर से किसी बड़े शहर में और फ़ोन लेता हूँ, और फ़ोन लेकर उस छोटे शहर में बेचता हूँ मैं फ़ोन। छोटे शहर में एक व्यक्ति ने बोला सर मुझे ना इस टाइप का एक फ़ोन चाहिए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए, या ईयरपॉड चाहिए मेरे को, कुछ भी उसने कोई भी गैजेट मंगवाने की कोशिश करी मुझसे। उसने कहा भैया आप ला देना और मेरे को जो भी पैसे हो बता देना, भैया इतने तक का हो मेरे को दे देना। बेटा मैंने एक एडवेंचर किया, उसको कुछ ला के दिया प्रॉफिट के उद्देश्य से, ट्रेडिंग करने के उद्देश्य से, तो ये भी क्या है? बिजनेस। तो बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट नोट है ये मैंने जो आपके लिए लिखा है, जो आपको कन्फ्यूज़न कर रहा होगा, अभी भी कन्फ्यूज़न करेगा। बिजनेस कैन नॉट बी एवरी एक्टिविटी विच इज़ कैरिड ऑन बाय डिवोटिंग टाइम, अटेंशन एंड लेबर ऑफ पर्सन विद द मोटिव टू मेक प्रॉफिट्स। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहे हैं हर वो एक्टिविटी बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं हो सकती जिन हर एक्टिविटी में टाइम लगा रहे हैं, अटेंशन लगा रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। हर वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस हो, हर एक्टिविटी को बिजनेस नहीं कह सकते। मिनसर थोड़ा डिटेल में बताइए बेटा, ये कहना चाह रहा है एवरी एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे आपने एक एक्टिविटी करी एक्स एक्टिविटी, एक्स एक्टिविटी, अभी हम इसका एग्जांपल भी लेंगे। एक्स एक्टिविटी करी, आपने इसमें टाइम भी लगाया, आपने लेबर भी लगाई, लोग भी लगाए इसमें, और आपका उद्देश्य था मुझे प्रॉफिट ही अर्न करना है इस एक्टिविटी से, पैसा कमाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसी एक्टिविटी, हर वो एक्टिविटी जिसमें आपने टाइम लगाया, लेबर लगाया, प्रॉफिट कमा के दे रही है जो, या प्रॉफिट के उद्देश्य से कराया, कि वो बिजनेस ही है। बिजनेस होने के लिए नेचर देखना पड़ेगा उसका, नेचर ट्रेड कॉमर्स होना चाहिए। जैसे मेरे एक दोस्त ने बोला यार तू मुझे एक घर दिलवा देगा, यार हाउस दिलवा देगा, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि मैं घर वर का काम नहीं करता, पर मेरी नॉलेज अच्छी थी होम के मामले में, हाउस के मामले में। उसे घर लेना था मेरे दोस्त को, मेरे दोस्त को घर लेना था, हाउस लेना था। मैं अपना ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, मेरे रिलेटिव्स, मेरे साढ़ू साहब को घर लेना था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार घर दिलवा दोगे मुझे कोई अच्छा सा घर हो, आपको नॉलेज है आप घर दिलवा दो। मैंने उनके लिए घर ढूँढा, एक डीलर से बात करी और घर दिलवा दिया। बेटा यहाँ पर तो मैंने टाइम लगाया, देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने इसलिए अपना एग्जाम एंड लेबर लगाई, पर मुझे कोई प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं लगाई मैंने, भाईचारे में लगाई, समझ रहे? ये मैंने ऐसे ही लगा दिया अपना टाइम एंड लेबर, अपना मेहनत भी लगाया, टाइम भी लगाया, और उन्हें घर दिला दिया। मेरा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं था, ना मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये एक्टिविटी तो बिजनेस वैसे भी नहीं है, ये तो आप भी बोल देंगे, नॉर्मल कोई भी बोल देगा सर ये तो बिजनेस है ही नहीं। पर बेटा ये मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा यार नीरज यार तेरे को अच्छी नॉलेज है घर वगैरह की, प्रॉपर्टी की, यार तू मुझे कोई घर यार सजेस्ट कर, कहाँ लेना चाहिए क्या है। तो मैंने कहा ठीक है यार मैं दिलवा दूंगा यार, पर लेकिन ना देख मैं बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म में बात कर रहा हूँ तेरे से, थोड़ा सा मैं मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दो घंटे बर्बाद होंगे, मैं ठीक है कम से कम, पर मेरा एक काम है, मुझे 5,000 रुपये चाहिएंगे, और 5,000 रुपये तू एज अ कमीशन व्हाटएवर कुछ भी मेरे को देगा। ठीक है यार, मैंने टाइम भी लगाया, लेबर भी लगाई, और मैंने प्रॉफिट भी कमाया, और कमाने के उद्देश्य से उसे दिया कि मुझे कुछ मिल जाएगा। क्या ये मेरा बिजनेस हो गया बेटा? आई थिंक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, ये बिजनेस नहीं है, समझ आ रहा है? चाहे मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए करा, पर मैंने अपने दोस्त, क्या मैं बिजनेस करता हूँ घर खरीदने बेचने का? क्या घर को, प्रॉपर्टीज़ को दिलवाने का मैं डीलर हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ?
अरे मैंने दिला दिया तो बेटा, आई थिंक आपको समझ आया होगा, बिजनेस हर वो एक्टिविटी नहीं हो सकती जिसमें हम टाइम लगा रहे हैं, अटेंशन लगा रहे हैं, लेबर और पर्सन लगा रहे हैं बेटा। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। मैंने बोला हर वो एक्टिविटी ज़रूरी है बिजनेस हो। जैसे हम कहते भी हैं ना यार, भाई बिजनेस नहीं कर रहा था, भाई बिजनेस करता तो तेरे से 50,000 रुपये कमाता, तो तेरे साथ बिजनेस नहीं करना था भाई। मैंने 5,000 रुपये बस अपना खर्चा लिया है, गाड़ी का पेट्रोल वेट्रोल मैं आया। मैंने अपने दोस्त से भी बोला प्रॉफिट इतना तो मुझे चाहिए यार, 1,000 रुपये चाहिए, खाना वाना भी खाना है मैंने। पर मैं अगर प्रॉफिट ही कमाता तो भाई 1,00,000 रुपये कमाता इस पर, 2,00,000 रुपये कमाता। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो बेटा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आप एक इम्पॉर्टेंट बात भी है। क्या इंपॉर्टेंट बात है इसको ध्यान से समझिएगा। क्या बेटा, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, ये सच है, क्योंकि आप अभी कंफ्यूज ना होगी सर, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला प्रॉफिट ऑफ बिजनेस वही होते हैं जिसमें हम लेबर लगाते हैं। बेटा बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो 100% आपने लेबर लगाई होगी, टाइम लगाया होगा और प्रॉफिट कमाया होगा। प्रॉफिट कमाने के लिए किया होगा, कमाया नहीं कमाया अच्छा लॉस चला गया, पर प्रॉफिट की वजह से ये सब कुछ लगाया होगा। अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो ये सब है ही, पर ये सब हैं तो इसका मतलब जरूरी नहीं आप बिजनेस ही कर रहे हैं। कुछ बात समझ आ रही है? इस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये सब उद्देश्य हैं ही आपके, पर किसी भी एक्टिविटी में ये सब उद्देश्य हैं तो हर एक्टिविटी जिसमें ये उद्देश्य हैं तो वो सब बिजनेस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लियर हो रहा है? बिजनेस का नेचर भी होना चाहिए, समझ आ रहा है? उसका नेचर बिजनेस होना चाहिए कि यस मैं तो ये काम कर, सर इससे हमें मतलब ये शिक्षा मिली। आप कहना चाह रहे हैं अगर मैं रूटीन में ये काम करता हूँ, रेगुलर ये काम कर रहा हूँ, फ्रिक्वेंटली ये काम कर रहा हूँ तो फिर वो बिजनेस है, शायद ऐसा समझ रहे होंगे आप। सर अगर आप अपने फ्रेंड को अभी घर दिलवा दिया, फिर आपने एक और फ्रेंड को दिलवाया, फिर आपने उस तीसरे फ्रेंड को दिलवाया, बेटा मेरा तीनों फ्रेंड को घर दिलवाने में बिजनेस नहीं है। मैंने नहीं बोला अगर मैं बार बार कर रहा हूँ तो बिजनेस है, ना ही। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर बिजनेस ही करता तो प्रॉपर मार्जिन करके करता, खाली गाड़ी का पेट्रोल थोड़ी ना लेने जाता। बात समझ आ रही? मैं तो सिर्फ चला जाता था, संडे को फ्री होता था। मेरा दूसरे दोस्त ने भी बोला यार घर दिलवा दे, मैंने दिलवा दिया, थोड़ा बहुत पैसे कमा लिए, बट दिस इज नॉट माई बिजनेस। हाँ अगर मेरा नेचर ही बिजनेस बन गया, मैंने ढूंढने ही शुरू कर दिए ग्राहक, कि मैं अपने दोस्तों से बोलने लगा मैं घर दिलवा दूंगा, अब देखो मेरा नेचर आने लगा बिजनेस का, मेरा इंटेंशन बिजनेस का आने लगा, पार्ट टाइम बिजनेस करने का, कि मैंने बोलने लगे मैं घर दिलवा दूंगा, इतने पैसे लूंगा, मैं घर करा दूंगा, कम मार्जिन पे मैं दिलवा दूंगा। मतलब समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने अपने दोस्तों से बोल दिया मैं कम मार्जिन पे आपको फ्लैट दिलवा दूंगा, प्लॉट दिलवा दूंगा, तो अब बिजनेस ही है, क्योंकि मेरा इंटेंशन बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, कॉमर्स करना है। और ये कॉमर्स का भी अच्छा एग्जांपल है, हम कॉमर्स कर रहे हैं यहाँ पर, समझ आ रहा है? मैं लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ कि उनको उनके काम में मैं सपोर्ट कर दूंगा, मैं दे दूंगा। जैसे ट्रक वाले का एग्जांपल दिया मैंने, एक व्यक्ति ट्रक चलाता है, उसने पर्सनल ट्रक खरीद रखा है, पर हम जब जब हमारा माल कहीं जाता है, हमारे गुड्स कहीं जाते हैं, वो आ जाता है, हम उसे पैसे दे देते हैं, तो उसका ट्रक किस लिए यूज़ हो रहा है? कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेटा बिजनेस में लेबर लगाना है, टाइम लगाना है, उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, सच है, पर किसी हर एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी में हम ये लगा रहे हैं वो सब बिजनेस होती है, ये कहना गलत है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो लिखा भी मैंने, इवन कभी कभी तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी, आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन भी बेटा मे बी कंसिडर्ड एज बिजनेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। बेटा मैंने उद्देश्य अपना स्टार्ट किया, अभी मैंने बताया इसका नाम। अब आप कहेंगे सर एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी बिजनेस हो सकती है और बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी बिजनेस नहीं हो सकती। एक्चुअली ये सब डिपेंड करता है इंटेंशन पर। बेटा मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ना प्रॉपर्टी, मैंने 4-5 फ्रेंड को प्लॉट्स दिलवाए, फ्लैट दिलवाए, मेरे को ऐसे लगने लगा यार क्यों ना मैं फ्लैट का ही काम कर लूँ, और शुरू में ना इतना ही मार्जिन रखूँगा 5,000-1,000 का ही, मतलब इतना ही रखूँगा बस मेरे गाड़ी का पेट्रोल वेट्रोल। अब बेटा मेरी इंटेंशन चेंज हो चुकी है, अब मेरे दिमाग में आ चुका है क्या कि मुझे बिजनेस करना है। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब मेरी इंटेंशन बिजनेस की हो चुकी है, चाहे मैं मार्जिन 5,000 रुपये रखूँ, अब मेरा प्रॉपर माइंड क्लियर है तो अब बिजनेस है। चाहे मैंने पूरे साल में एक ही प्लॉट बिकवाया 5,000 के मार्जिन पर मेरा उद्देश्य तो बिजनेस करना, वो तो अलग बात है कि मेरे को कोई कस्टमर मिले ही नहीं। मेरा मैंने पूरे साल में एक ही स्टूडेंट पढ़ाया, पर मैंने अपना बोर्ड लगा दिया नीरज मित्तल क्लासेस,
पर पूरे साल में एक ही स्टूडेंट आया, मैंने एक ही पढ़ाया, ये तो बिजनेस है। अब मेरा नेचर ट्रेड कॉमर्स हो चुका है, तो मतलब केवल सिंगल ट्रांजेक्शन भी हुई है, आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन भी हुई है, तो भी बिजनेस हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिंगल। तो आप इस बहम से बाहर निकल जाएं कि सर जो रूटीन में होते हैं वही बिजनेस होते हैं जो बार बार करे जाते हैं ना। कभी कभी बार बार एक्टिविटी करी जा रही है वो भी बिजनेस नहीं, और कभी कभी एक सिंगल एक्टिविटी भी बिजनेस है। बेटा अगला आता है प्रोफेशन, हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, आपने नोटिस भी किया होगा, फीडबैक भी दीजिएगा मुझे अपना, राइट। यस बेटा प्रोफेशन, अगला आता है प्रोफेशन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 प्रोफेशन। नोट प्रोफेशन, अभी हम पहला ही पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा, 12 पॉइंट पढ़ने हैं। अभी देखो हमारा पहला पॉइंट चल रहा है, ये मेरा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन विच वॉज कैरिड ऑन बाय द सेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अभी हमने प्रॉफिट पढ़ लिया, गेन पढ़ लिया, बिजनेस पढ़ लिया, अब हम प्रोफेशन पढ़ रहे हैं, विच वॉज कैरिड ऑन बाय द असेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रोफेशन बेटा, प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी विच इज डन व्हेन अ पर्सन एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स ऑन क्वालिफाइंग सम डिग्री डिप्लोमा कोर्स। बंदे ने कोई डिग्री करी, कोई डिप्लोमा कोर्स किया, आफ्टर दैट उस बंदे ने फाइनल किया कि मैं उसी में काम करूँगा, उसी नॉलेज में, तो बेटा वो क्या है, प्रोफेशन। वोकेशन का मतलब है बेटा इन बॉर्न टैलेंट, एक्चुअली ये डन नहीं किया जाता, नॉलेज के बेस पर जो आपने एक्वायर्ड करी। सबसे मेन डिफरेंस ये है, कुछ नॉलेज हम गेन करते हैं और गेन करके यूज़ कर रहे हैं, वो प्रोफेशन है। कुछ नॉलेज मैंने जैसे इनकम टैक्स पढ़ा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने इनकम टैक्स पढ़ा और पढ़कर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, प्रोफेशन। पर मेरे को ना बचपन से मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी, और मेरी आवाज़ अच्छी, बचपन से मैं गाना गा रहा हूँ, मुझे किसी ने गाना सिखाया नहीं, पर फिर भी मैं बहुत अच्छा गाना गा रहा हूँ, तो बेटा वो क्या है, वोकेशन। क्या है, अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ऑन अकाउंट ऑफ इनबॉर्न टैलेंट स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स, तो वो क्या है, वोकेशन। चाहे वोकेशन हो चाहे प्रोफेशन हो, टैक्स PGBP में लगेगा। बेटा तीसरा पॉइंट, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन मस्ट हैव बीन कैरिड आउट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बिजनेस आर कैरिड आउट फॉर फुल ईयर या टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। जरूरी नहीं है पूरे साल में प्रीवियस ईयर के एंड तक करें, अगर बीच में आपने कुछ दिन के लिए, जैसे आपने कोचिंग अपनी 5 दिन के लिए बंद रखी या 15 दिन के लिए बंद रखी, तो ऐसा नहीं है कि हमने बिजनेस बंद कर दिया, एक्टिविटी डज नॉट नेसेसरी कि डिसकॉन्टिन्यू कर दिया बिजनेस, ऐसा नहीं है, बिजनेस चल रहा है हमारा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बिजनेस तो हमारा चल रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मीनिंग समझ आ गया होगा, बिजनेस किसी भी टाइम पर प्रीवियस ईयर में चल रहा हूँ, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी दैट द बिजनेस वॉज कैरिड आउट फॉर फुल ईयर ऑन द टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। हाउएवर टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी डज नॉट नेसेसरी अमाउंट टू डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ बिजनेस, कि जरूरी नहीं है अगर थोड़े दिन के लिए आपने बिजनेस बंद कर दिया 15-20 दिन के लिए तो आपका बिजनेस डिसकॉन्टिन्यू हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। बेटा ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक बार ऊपर से जाके हम पढ़ते हैं इस पॉइंट। पहला पेज हमारा खत्म होगा और आई होप अच्छे से समझ आया होगा, समझ आना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्ज अंडर द हेड इनकम टैक्स PGBP, पहला पॉइंट था। द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन विच वॉज कैरिड ऑन बाय द असेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो कि कैरिड ऑन बाय द असेसी, असेसी के द्वारा किया जा रहा है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब समझ रहे हैं कि असेसी कर रहा है। अब यहाँ पर ना एक वर्ड और आ गया, मुझे अच्छा लगा ये वर्ड भी, इस पर भी मैं आपको डिपेंड नहीं कर देता हूँ, मेरे पास ना एक एक शब्द के लिए यहाँ पर आपके आपको देने के लिए ज्ञान है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय द असेसी, इसको भी थोड़ा समझ ही लेते हैं हम लगे हाँ, जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, कैरिड ऑन बाय द असेसी। बेटा यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, कैरिड ऑन बाय द असेसी, कैरिड ऑन बाय द असेसी। इस वर्ड को भी ध्यान से, पहला ही पॉइंट चल रहा है अभी हमारा, कैरिड ऑन बाय द असेसी का मीनिंग क्या है सर। बेटा ध्यान से सुनिए, मिस्टर एक्स बिजनेस कर रहे रेडीमेड गारमेंट्स का, क
कपड़े बेचते हैं मिस्टर एक्स, रेडीमेड गारमेंट्स का इनका बिजनेस है बेटा। इन्होंने ना एक एजेंट है इनके, इनको अपने गुड्स, ये शहर में काम करते हैं दिल्ली में, अब इन्हें अपने गुड्स बेटा फरीदाबाद में भी बेचने हैं। इन्होंने एक मिस्टर वाई है जो सिर्फ केवल एक्सक्लूसिवली मिस्टर एक्स के लिए काम करते हैं। मिस्टर एक्स ने एजेंट बनाया अपना मिस्टर वाई को और कहा कि जो मेरे फरीदाबाद के कस्टमर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला यू आर माई एजेंट एंड एक्सक्लूसिवली मिस्टर वाई एजेंट है मिस्टर एक्स के। मिस्टर वाई केवल गुड्स बेच रहे हैं किसके, मिस्टर एक्स वाले। किनको? क्योंकि मिस्टर एक्स डेली नहीं आ सकते अपने कस्टमर्स के पास फरीदाबाद में, तो मिस्टर एक्स अपने गुड्स किसके थ्रू बेच रहे हैं, मिस्टर वाई। तो बेटा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 100 रुपए के गुड्स से इन्होंने मिस्टर वाई को दिए 100 रुपए में। सर ऐसा क्या? ध्यान से सुनिए, मिस्टर वाई की ड्यूटी है ये कस्टमर को इन्हें 150 में देंगे। अब 100 में नहीं दिए, पैसे नहीं लिए इन्होंने मिस्टर वाई से, सर मिस्टर वाई को दिए और कहा कि ये मेरे गुड्स हैं, इन्हें कितने में बेच देना, 150 में। मिस्टर वाई ने कहा भी सर कभी कभी मेरा दिल करता है मैं 140 में बेच दूँ, कस्टमर कह रहा होता है पैसा फला। इन्होंने कहा नहीं नहीं ये पॉलिसी है 150 से कम में नहीं बेचे। मिस्टर वाई ने कहा सर मुझे क्या मिलेगा, इन्होंने कहा हर शर्ट पर तुम्हें 10 रुपये मिलेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ मिस्टर एक्स का प्रॉफिट क्या है, मिस्टर एक्स का प्रॉफिट है बेटा 50 रुपये, 100 की शर्ट ये कितने में सेल करवा रहे हैं, 150 में, 50 रुपये पहले जीपी है और ये 10 रुपये कमीशन दे रहे हैं तो 40 रुपये प्रॉफिट आ गया। ये बिजनेस कैरियड ऑन बाई जो वाई बेच रहा है ना बेटा, ध्यान से सुनो, जो वाई बेच रहा है कस्टमर्स को, वाई का बिजनेस नहीं है ये बिजनेस, किसका है, मिस्टर एक्स का, कैरियड ऑन बाय द एसएससी। चाहे मिस्टर एक्स वाई के थ्रू बेच रहे हैं, चाहे गुड्स वाई दे रहा है, पर ये बिजनेस एक्स का माना जाएगा। वाई का तो कमीशन मिल रहा है वाई को, तो वाई की तो कमीशन इनकम है, वाई को कमीशन इनकम पर टैक्स लगेगा और वाई कमीशन के लिए ही बेच रहा है, तो वाई अलग बिजनेस कर रहा है। लेकिन ध्यान सुनिए, वाई का अलग पैटर्न है, वाई कमीशन कमाता है, वाई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, आप देख पा रहे हैं इनको सपोर्ट कर रहा है, तो वाई का अलग बिजनेस है। तो यहाँ पर ये नहीं है, अब ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को जो शर्ट दे रहे हैं बेचने के लिए दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर असेसी अपना बिजनेस थ्रो एजेंट कर रहा है, थ्रो एजेंट। तो बेटा माना जाएगा कि ये बिजनेस असेसी ही कर रहा है, ये यहाँ पर कंप्यूट होगा ये बिजनेस। अच्छा सर मिस्टर वाई, एक और एग्जाम्पल इसी में समझते हैं, सर मिस्टर वाई ना मिस्टर एक्स का भी माल बेचते हैं, मिस्टर जेड का भी बेचते हैं, मिस्टर डी का भी बेचते हैं, मिस्टर ए का भी बेचते हैं, सबके गुड्स बेच देते हैं, इनका काम ही है डीलिंग करना लोगों के, तो ये ना पहले खुद खरीद लेते हैं गुड्स को इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंट है, पहले 100 का माल यहाँ खरीद लेते हैं 110 में, किसी का कितने में खरीद लेते हैं और फिर 110 का या 150 में बेच रहे हैं। देखिए या 110 का ये खरीद लेते हैं 140 में, अब की बारी ध्यान से समझना, एग्जाम्पल समझिएगा, मैं अलग से लिख के बताता हूँ बेटा। एक और एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स ने एजेंट मिस्टर वाई को गुड्स भेजे, देखो अभी भी प्रॉफिट वही होगा, कितने में, 140 में, 100 रुपए के गुड्स, और मिस्टर वाई इनके कस्टमर्स को बेचता है ले 150 में। तो यहाँ पर बेटा मिस्टर वाई अलग बिजनेस कर रहे हैं और ये बिजनेस अलग बिजनेस है, इनके प्रॉफिट कितने हो गए, सीधे 40 ग्रॉस प्रॉफिट, इनकी सेल 140 मानी जाएगी और इनका 10 रुपये, प्रॉफिट अब भी बराबर है पर यहाँ पर अलग अलग बिजनेस है, इनका बिजनेस है, ये इनको बेचते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट एजेंट है। यहाँ पर दो असेसी हैं, इंडिपेंडेंट एजेंट, आ रहा है समझ आपको? तो ये बिजनेस कैरिड ऑन बाय द असेसी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय द असेसी, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। मीन सिंपल शब्दों में अगर असेसी एजेंट के थ्रू भी बेचता है गुड्स कस्टमर और इंडिपेंडेंट एजेंट है,
डिपेंडेंट एजेंट, तो बेटा असेसी यही कहलाएगा। और एजेंट अगर इंडिपेंडेंट है, असेसी पर डिपेंड नहीं है, तो ये अलग असेसी कहलाएगा और ये अलग कहलाएगा। बेटा आई होप क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको। तो चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है हमारा बेटा सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों पॉइंट्स पे लिख लीजिए, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। लिख लीजिए सब, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मतलब एक्सपोर्ट की वजह से हो रहे हैं ये तीनों फायदे। इनको आप हिंदी में भी लिखना चाहें लिख ले, एक्सपोर्ट की वजह से, एक्सपोर्ट की वजह से आपको ये फायदे हो रहे हैं, समझे। और इन फायदों पर भी पीजीबीपी में टैक्स लगेगा, राइट। जैसे इसमें सबसे पहले बोला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, या बोला है कैश कंपनसेटरी सपोर्ट्स, इसको हम सीसीएस बोलेंगे, या ड्यूटी ड्रॉबैक, या प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। चलिए ध्यान से डिस्कस करते हैं इसे क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा क्या कह रहा है। बेटा मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट को डिस्करेज करती है एंड एक्सपोर्ट को एनकरेज करती है, राइट। इंपोर्ट को डिस्करेज करती है और एक्सपोर्ट को एनकरेज करती है, बढ़ाना चाहती है। आपको पता भी होगा मोस्टली प्रोडक्ट पे 0% एक्सपोर्ट ड्यूटी है ऐसी, और इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी हाई होती है, इंपोर्ट पे IGST भी लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट पे टैक्स लगाए जाते हैं। बेटा एक एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन, एक मिस्टर एक्स है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। कौन? मिस्टर एक्स, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, वहां से उन्होंने गुड्स मंगवाए, बहुत सारे गुड्स, और उन्होंने ये गुड्स वो बेचते हैं, इंपोर्ट किए गुड्स, और वो गुड्स सपोज अमेरिका में बेच रहे हैं। अब इस चीज़ में मत जाना सर, ऐसे कौन से गुड्स हैं ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया अमेरिका में बेच दिए, इन सब पे मत लगना अभी, अपना पीजीबीपी कर लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको बाद में सिखा देंगे, ठीक है। तो बेटा आपने मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने ऑस्ट्रेलिया से गुड्स इंपोर्ट करे, अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इम्पोर्ट भी कर रहे हैं एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब दूसरा करते हैं, अब की बारी इंडिया में ही इन्होंने गुड्स बनाए और बस एक्सपोर्ट करे अमेरिका में, गवर्नमेंट बड़ी खुश हुई। आपको बता दूं पहले मैं, इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है? इंपोर्ट लाइसेंस। बिना इंपोर्ट लाइसेंस लिए आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, और लाइसेंस की वैलिडिटी भी होती है और एलिजिबिलिटी भी होती है। लाइसेंस में लिखा होता है कि ये लाइसेंस के थ्रू, जैसे सपोज करिए इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस मिला है, इंपोर्ट कर सकते हैं आप। जैसे आपको पता होगा ड्रग्स की शॉप खोलने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, कि शराब बेचने के लिए, अल्कोहल बेचने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसे बेटा इंपोर्ट करने के लिए चीज़ों को हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। और लाइसेंस में वैलिडिटी होती है कि इस लाइसेंस के थ्रू अब आप 100 बोरा गुड्स ये वाले खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी गुड्स था, कोई भी गुड्स था, उसमें लिखा हुआ था ये वाले गुड्स आप 100 बोरा गुड्स खरीद सकते हैं। क्लैरिटी हो रही है? लाइसेंस में लिखा हुआ था ऐसा कि आप 100 बोरा गुड्स ये वाले खरीद सकते हैं।
बेटा आप तो मेक इन इंडिया कर रहे हैं, ये लाइसेंस आपको लेना पड़ता है पैसे देकर, पर आपने तो इंडिया में गुड्स बनाए और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। तो गवर्नमेंट ने खुश होकर आपको लाइसेंस दे दिया, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, 100 बोरा गुड्स खरीदने का। अब आपको तो इंपोर्ट करना ही नहीं है, आपके लिए तो लाइसेंस बेकार हो गया। तो आपका एक दोस्त था मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स का एक दोस्त था मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने कहा यार मुझे इंपोर्ट लाइसेंस लेना है। मिस्टर एक्स ने अपना लाइसेंस उसे दे दिया, अपना लाइसेंस बेच दिया उसे। लाइसेंस मिस्टर एक्स को कितने का मिला? 0 का। सिर्फ उसने बहुत अच्छे लेवल पर क्या किया था? एक्सपोर्ट। और बेटा ये लाइसेंस सपोज करो 10 करोड़ में बेच दिया अपने दोस्त को ही, तो बेटा ये क्या हो गया? 10 करोड़ का जो ये प्रॉफिट है ये लिख दिया इन्होंने। इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस को अगर आपने बेच दिया और उस पर जो भी प्रॉफिट कमाया, जो भी प्रॉफिट अर्न किया, देखिए ध्यान से सुनिए, जितने लोगों ने आप में से कैपिटल गेन पढ़ा हुआ है, दुनिया की सारी असेट कैपिटल असेट होती है, आपको पता होगा, 6 असेट्स को छोड़कर। तो लाइसेंस भी ना कैपिटल असेट होता है, तो लाइसेंस को बेचने पर भी जो भी गेन होगा वो कैपिटल गेन होगा, पर दुनिया के सारे लाइसेंस बेचने पर जो भी गेन होगा वो कैपिटल गेन होगा, आई अग्रीड, पर कौन सा लाइसेंस बेचने पर? इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस बेचने पर जो भी गेन होगा ना वो पीजीबीपी में होगा। सेक्शन 28 बोल रहा है, बस का कंडक्टर क्या बोल रहा है? बस का कंडक्टर कि इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस बेचने पर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स कहाँ लगेगा? पीजीबीपी में। क्लियर हो रहा है आपको? ये क्लियर कर दिया सेक्शन ने, चार्जिंग सेक्शन ने स्पेसिफिकली। इसलिए ना दोनों चैप्टर में कॉन्ट्राडिक्शन भी है। आप कैपिटल गेन का चैप्टर उठाओगे वहां भी वर्ड ये लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स, वहां भी चाहे प्रॉफिट हो चाहे गेन हो, पर अगर कोई भी कैपिटल असेट बेची है उससे कोई भी गेन या प्रॉफिट है तो उस पर टैक्स कैपिटल गेन में लगता है। और यहां पर लिखा हुआ है कोई भी प्रॉफिट एंड गेन से अगर बिजनेस और प्रोफेशन से हो रहे हैं तो पीजीबीपी लगता है। तो अब आपको जो गेन हुआ है असेट को बेचने पर, देखो एक क्लैश आ गया, असेट को बेचने पर जो गेन होते हैं वो कैपिटल असेट में टैक्स लगे या पीजीबीपी में? तो जहां पर स्पेसिफिकली पीजीबीपी बोल देगा कि मैं लूंगा टैक्स इन असेट को बेचने पर, तो उन पर टैक्स पीजीबीपी में लगेगा। अदरवाइज किसी भी कैपिटल असेट को बेचने पर जो भी टैक्स लगते हैं, किसी भी कैपिटल असेट को बेचने पर जो भी टैक्स लगते हैं वो कैपिटल गेन में लगते हैं। जैसे अब पीजीबीपी ने स्पेशली बोल दिया सर जी इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस को अगर आप बेचेंगे उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो कहां पर टैक्स होगा? बेटा पीजीबीपी में। वो कह रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अगर आप कर रहे हो और आपने इंपोर्ट का लाइसेंस खरीदा भी है ना, आपने इंपोर्ट का लाइसेंस 5 करोड़ में खरीदा पर अब आपका काम का नहीं, आपने बेच दिया 6 करोड़ में साथ में, तो जो भी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्पेसिफिकली बिजनेस टर्म है, आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में गेन हुआ है और ये बिजनेस में गेन हुआ है तो इस पर टैक्स कहां लग जाएगा? बेटा पीजीबीपी। आपको क्लियर हो गया? इन्होंने स्पेसिफिकली कवर कर दिया ये वाला प्रॉफिट एंड गेन्स। बेटा कभी कभी गवर्नमेंट जब आप बहुत अच्छे लेवल पर, मैंने बताया ना एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, आप एक्सपोर्ट के फायदे मिलते हैं, वैसे कभी कभी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से, कभी कभी एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, गवर्नमेंट सीधे कहती है आपने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया, बहुत अच्छे लेवल पर एक्सपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको कैश कॉम्पनसेटरी सपोर्ट कर रहे हैं। आपने मतलब पिछले इयर्स में, लास्ट इयर्स में जब भी इंपोर्ट किया था तो इंपोर्ट करते वक्त ड्यूटी दी थी, और इस साल आपने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया है तो हम आपकी या तो वो कैश कॉम्पनसेटरी सपोर्ट कर रहे हैं, कैश भी दे रहे हैं, या आपकी ड्यूटी ड्रॉबैक कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी वापसी दे रहे हैं, कि जो आपने ड्यूटीज दी हुई हमें हम आपको वापसी दे रहे हैं। अब बेटा मैंने पिछले साल इम्पोर्ट ड्यूटी भरी थी 1 करोड़ की, फॉर एग्जाम्पल कुछ इम्पोर्ट करके,
इस साल गवर्नमेंट ने खुश होकर मेरी ड्यूटी वापसी दे दी, कहा कि तुमने तो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया है, हम तुम्हारी इम्पोर्ट ड्यूटी भी वापसी दे रहे हैं। बेटा कुछ समझ आ रहा है तो वो भी PGBP में टैक्सेबल होगा। आप पढ़ेंगे तो अगला लाइन लिख भी रहा है, क्या लिख रहा है, कैश कॉम्पनसेटरी सपोर्ट एंड ड्यूटी ड्रॉबैक, एक ही बात है, मतलब कैश में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ड्यूटी को वापसी दे रही है, ये भी क्या हो जाएगा। बेटा समझ आ रहा है PGBP। अगला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ द ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। बेटा कभी कभी गवर्नमेंट कहती है आपने पिछले ईयर्स में 1 करोड़ रुपए का फन करोड़ का आपने हमें PGBP दिया है, सॉरी आपने हमें इंपोर्ट ड्यूटी दी है। गवर्नमेंट कह रही है आपने 1 करोड़ रुपए की हमें इंपोर्ट ड्यूटी दी है पिछले कुछ वर्षों में, तो हम ना आपको एक पासबुक में लिख के दे रहे हैं, एक पासबुक में, कि आपने जो ये ड्यूटी दी है ना 1 करोड़ की, हम आगे इसको एडजस्ट कर देंगे। अब आगे कभी आप इंपोर्ट करोगे और उस इंपोर्ट पे अगर ड्यूटी बनेगी 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ तक बनेगी, तो हम इसी में से एडजस्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, हम मानेंगे आपकी 1 करोड़ ड्यूटी आ गई। आपके पास क्या है, पासबुक, उस पासबुक में आपको एंटाइटलमेंट है 1 करोड़ तक के क्रेडिट, 1 करोड़ के, पर ये क्रेडिट कैश में नहीं मिल रहे हैं आपको। गवर्नमेंट कह रही है जब जब आप इम्पोर्ट करोगे तो हम आपको ड्यूटी नहीं लेंगे, इसी में से एडजस्ट कर देंगे। अब आप कह रहे हो जी मैं तो फ्यूचर में इम्पोर्ट ही नहीं करूँगा, मैं तो बस बनाऊँगा, मैं मेक इन इंडिया बनाऊँगा, गुड्स मैनुफैक्चर करूँगा और सेल करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। तो गवर्नमेंट कह रही है पासबुक आप किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मिस्टर सुमित है, मिस्टर सुमित के दोस्त हैं मिस्टर आयुष, तो मिस्टर सुमित ने अपने दोस्त आयुष को, समझ आ रहा है, ये दे दिया कि भैया मेरी पासबुक ले लो, तुम इम्पोर्ट कर लेना, तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा, मुझे तो 25 लाख रुपए दे दो। 25 लाख रुपए जो प्रॉफिट हुआ एंटाइटलमेंट पासबुक को बेचने पर, वो मिस्टर सुमित के लिए कहाँ टैक्सेबल हो जाएंगे, PGBP। तो आई थिंक तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे आपको, क्या कह रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, कैश कॉम्पनसेटरी सपोर्ट एंड ड्यूटी ड्रॉबैक एंड प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। अगर आप ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक को सेल कर रहे हैं उससे भी प्रॉफिट हो रहे हैं आपको, तो बेटा वो भी क्या हो जाएगा आपका PGBP, राइट, क्लियर हुआ आपको। बेटा अगला है फिफ्थ पॉइंट थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। फिर आता है 6th पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट वेदर कन्वर्टिबल इन टू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन। बेटा आपको कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट और परक्यूजिट एक ही होता है, कोई भी फायदा मिल रहा है, परक्यूजिट मिल रहा है, चाहे उस परक्यूजिट को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो काइंड में ही रहेगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा मनी में, पर वो बिजनेस की वजह से मिल रहा है या प्रोफेशन की वजह से मिल रहा है, तो बेटा वो भी क्या हो जाएगा आपका, कहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा, PGBP में। सर किसी एग्जांपल से, यस बेटा आप LG कंपनी का शोरूम खोला हुआ है आपने, आप सिर्फ TV बेचते हैं LG के, LG आपको 10,000 रुपये में एक TV देता है और आप उसे 11,000 रुपये में सेल कर देते हैं, LG ने आपको 100 TV दिए, तो बेटा सीधा सीधा कितना हो गया, 10 लाख रुपए के TV हो गए और आपने 100 TV 11 लाख रुपए में बेच दिए। LG ने कहा कि आपने हमारे ना इस साल बहुत अच्छे TV बेचे हैं, हम बड़े खुश हुए भाई, 10 लाख का TV आपने 11 लाख रुपए में बेच दिए, 1 लाख रुपए का आपने कमाया भी, मुनाफा भी कमाया, पर LG खुश हुआ कि आपने LG के TV बेच दिए, इंडिपेंडेंट एजेंट थे आप, सीधे LG से खरीदते थे और बेचते थे, पर LG खुश हुआ आपने LG के 100 TV एक साथ निकाल दिए, LG ने आपको बेटा टिकट दी, टूर दिया, पहला ऑप्शन 1 टूर दिया आपको, बैंकॉक घूमने का, थाईलैंड भेजा आपको LG ने, और 2 लाख रुपए का जो खर्चा आया LG ने बोला कि वो हम देंगे आपको, तो बेटा ये 2 लाख भी तो PGBP है आपका, प्रॉफिट हो गया आपका। या LG ने आपको टिकट्स नहीं दी,
एलजी ने आपको 5 टीवी दे दिए फ्री में और आपने 5 टीवी भी 11,000 में बेच दिए, तो बेटा 55,000 रुपये जो फ़ायदा हुआ, ये भी पीजीबीपी हुआ आपका पूरा, आपको तो फ्री में मिले टीवी। आई थिंक समझ आ गया होगा क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट वेदर कन्वर्टिबल इंटू मनी और नॉट, जैसे टिकट कन्वर्टिबल नहीं थी मनी में, टिकट सिर्फ टिकट दे रहे हैं हम आपको, आप टिकट बेच थोड़ी ना सकते हो, सिर्फ टूर पे जा सकते हो, थाईलैंड में जा सकते हो, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, जो मनी में कन्वर्ट हो या ना हो, जैसे टीवी है, टीवी मनी में कन्वर्ट कर लिया आपने, तो बेटा आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगला पॉइंट है 7th पॉइंट, इनकम डिराइव्ड बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स, मेंबर्स ओनली भी लिख लो भले ही, या ओनली ओनली नहीं, मेंबर्स को सर्विस दे रहे हैं, इसे समझते हैं बेटा। एक एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन बनाया, सी एसोसिएशन ही मान लेते हैं, सी एसोसिएशन सिर्फ अपने मेंबर्स को, जो सी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, सिर्फ उन्हें एक सर्विस दे रही है। सी एसोसिएशन ने एक हॉस्पिटल शुरू किया और उस हॉस्पिटल में सिर्फ सी एसोसिएशन के मेंबर्स ही इलाज करा सकते हैं, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। तो आप कह रहे हो ये तो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, पर इनकम टैक्स कह रहा है भैया मेरे अकॉर्डिंगली इससे होने वाले मुनाफे भी बिजनेस में टैक्सेबल होंगे पीजीबीपी में। आ गया समझ नहीं आया, इस हॉस्पिटल से होने वाले मुनाफे भी पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगे। आप कह रहे हैं सर सीए एसोसिएशन केवल अपने ही मेंबर्स को सर्विस दे रहा है तो ये प्रॉफिट मोटिव थोड़ी ना हो गया। बेटा कह रहे हैं इससे भी अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगे, मोटिव है या नहीं है? अभी तो एक पॉइंट स्पेशली लिखा है इन्होंने कि कोई भी एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन कोई भी अपने मेंबर्स को भी सर्विस दे रहा है, केवल अपने मेंबर्स के लिए स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म कर रहा है। इस पर बेटा मैं कई बार एक वो कहानी भी बताता हूँ। एक बार मैं बाहर गया घूमने, हरिद्वार गया, हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप जा रहे हैं ना हरिद्वार जा रहे हैं, तो हरिद्वार में हमारी धर्मशाला है वहाँ पर ठहर जाना। हमारी धर्मशाला मतलब वो मेंबर्स थे, वहाँ पे मेंबर थे, वो बोला वहाँ पे ठहर जाना। मैं वहाँ पे गया, फैमिली के साथ रुका, एक दिन रुका, बड़ी अच्छी सेवा हुई वहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। तो जो दरवाज़ा होता है ना, दरवाजे पे वो लिखे होते हैं, नेम प्लेट पे नेम लिखे होते हैं, दाता हो के दानी हो के, वहाँ पे मतलब वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ के मेंबर्स हैं, ट्रस्टी हैं, उन्हीं के रिलेटिव्स वगैरह। तो दाताओं का नाम पढ़ रहा था मैं, दाताओं के नाम लिखे हुए थे कि भाई फलाने व्यक्ति ने इतना दान दिया, इस व्यक्ति ने इतना, ऐसे करके मैंने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले था 51 लाख लाला फलाने फलाने व्यक्ति ने 51 लाख रुपए का डोनेट किया, 51 लाख, 21 लाख, 11 लाख, ऐसे करते करते मैं पढ़ते पढ़ते आगे निकल गया। मैंने देखा भाई साहब का नाम ही नहीं लिख रहा, वो कह रहे थे हमारी धर्मशाला है। ऐसे करते करते मैं 51,000 पे आ गया, 31,000 पे आ गया, 21,000 पे आ गया, पढ़ते पढ़ते आगे चलती रही, 11,000 पे आ गया, मुझसे राय नहीं गया। मैंने फ़ोन करा भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब आप बता रहे थे आपकी धर्मशाला, आपका नाम नहीं लिख रहा था। कह रहे कहाँ तक पहुँचे हो? मैंने कहा 11,000। कहने लगे अभी और आगे चलो, मेरा नाम मिलेगा आपको। मैंने कहा कहाँ पर मिलेगा सीधे बता दो। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि ये एसोसिएशन के मेम्बर्स ही हैं और एसोसिएशन के मेंबर्स को कोई सर्विस दे रहे हैं, हालांकि वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, पर फिर भी वो पीजीबीपी में टैक्सेबल, राइट? इसका कुछ पार्ट आपको अगली रिकॉर्डिंग में मिलेगा, कोई अगली रिकॉर्डिंग होगी तो उसमें आपको मिलेगा, यहाँ तक का एक बार आपने पढ़ना है। चलिए हम आगे बाद में पढ़ेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार डिटेल में, जहाँ तक हमने करा है एक बार डिटेल में इसे पढ़िएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश भी करी है, आज बस सिर्फ एक 1 आवर की क्लास दे रहा हूँ मैं आपको, राइट? अभी हमारा बहुत आगे आगे चलेगा, जैसे और भी टॉपिक कवर होता चला जाएगा। तो एक बार यहाँ तक का पढ़िएगा और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।